हेलो दोस्तों, रोज की तरह आज भी मैं लेके आया हूँ आर्मी अग्निवीर के क्वेश्चन आंसर। आर्मी अग्निवीर के क्वेश्चन आंसर की बहुत दिनों से डिमांड चल रही थी। आज हमारा अग्निवीर के क्वेश्चंस का थर्ड पार्ट है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम साइंस के क्वेश्चन आंसर को कवर करेंगे। आज के हमारे साइंस के क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। प्रत्येक क्वेश्चंस के लिए आपको चार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए जाएंगे। मैं केवल आपको आंसर बताता जाऊंगा, बाकी आपको देख लेना है। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक अश्व शक्ति किसके बराबर होती है? चार ऑप्शन से हैं, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 746 वाट। एक अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में पसलियों की संख्या कुल कितनी होती है? आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्वचा का रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मेलेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी टंगस्टन का। दोस्तों, हमारे घरों में जो बल्ब लगा होता है उसके अंदर कौन सा फिलामेंट लगा होता है? तो वो होता है टंगस्टन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटम बम के सिद्धांत पर कार्य करता है कौन? कार्य करता है, आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी नाभिकी विखंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन का स्त्राव किस में होता है? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए अग्नाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भौतिकी शास्त्र ने अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? आपका करेक्ट आंसर है हाइजेनबर्ग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के वेग को किसने मापा था? चार ऑप्शन हैं, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रोमर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जे.जे. थॉमसन के द्वारा किसका आविष्कार किया गया? ये क्वेश्चंस वेरी आईएमपी हो जाएगा। ऑप्शन ए प्रोटॉन, ऑप्शन बी न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से संबंधित रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? सर जे.जे. थॉमसन ने। चलिए इनके बारे में भी देख लेते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन की खोज सर जे.जे. थॉमसन ने की, न्यूट्रॉन की खोज चेंडिक ने की, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित हैं, न्यूट्रॉन उदासीन हैं और प्रोटॉन धनावेशित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वात में तरंगों को प्रसारित नहीं किया जा सकता, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ध्वनि तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन का दूसरा नाम क्विक सिल्वर है, किसका नाम क्विक सिल्वर है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पारा। पारा का नाम क्या है? क्विक सिल्वर। पारा से संबंधित भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट, आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हाइड्रोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके द्वारा एक्स किरणों की खोज की गई? आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी रोएंटजन। नेक्स्ट, जल के शुद्धिकरण के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब में सामान्य भरी जाने वाली गैस कौन सी है? विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी नाइट्रोजन। विद्युत बल्ब में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। अगर आपने अभी तक स्टडी पॉइंट सिक्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिए गए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर आप स्टडी पॉइंट सिक्स चैनल से जुड़ जाए, ताकि आपको प्रतिदिन नए नए वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिलती रहे।